क्यों राजामौली ने फिल्म के सेट पर लगाई आग, कैसे राजामौली ने वक्त और पैसे दोनों बचाए, किनसे दो भगवानों का रेफरेंस लिया गया फिल्म में। दोस्तों, बाहुबली फिल्म के सारे सीन्स भले ही VFX की मदद से बनाए गए थे, लेकिन कई सारे सीन्स ऐसे भी थे जिसे असली दिखाने के लिए SS राजामौली ने जरूरत के हिसाब से उसे असली तरीके से शूट भी किया था। बाहुबली फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसने धमाल मचाया था। हुआ ये था कि जिस सीन में कटप्पा तलवार से बाहुबली पर हमला करता है, उस सीन के बैकग्राउंड में आग जल रही थी और राजामौली ने सच में उस सीन को शूट करने के लिए सेट पर आग लगा दिया था ताकि वो सीन बिल्कुल रियल लगे। आज भी जब उस सीन को देखा जाता है ना, तो साफ साफ ये नजर आता है कि वो सीन एकदम रियल है। दोस्तों, बाहुबली फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए लगे थे, लेकिन कई सारे सीन्स में फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने पैसे भी बचाए और साथ ही साथ अपना वक्त भी बचा लिया। सभी को वो सीन याद होगा जिसमें शिवगामी ने भल्लाल देव का राज तिलक किया था और उसी जगह पर देवसेना ने महेंद्र बाहुबली का भी राज तिलक किया था। राजामौली ने ये इसलिए किया था क्योंकि उस सेट को बनाने में और भी वक्त लगता और पैसा लग जाता, और तो और राजामौली को पता था कि बाहुबली फिल्म की पूरी कहानी क्या है, इसलिए उन्होंने सेम सेट पर भल्लाल देव का राज तिलक किया और कुछ दिनों के बाद महेंद्र बाहुबली का, ताकि आगे चलकर उन्हें फिर से सेट ना बनाना पड़े और एक ही सेट पर वो आराम से अपना काम कर सके। लगता है राजामौली ऐसा ही कुछ बड़ा करने की तैयारी में बिजी है, इसलिए अभी तक उन्होंने बाहुबली 3 फिल्म के बारे में कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि बाहुबली फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड थी, लेकिन क्या लोगों ने ये नोटिस किया था कि जहाँ अमरेंद्र बाहुबली को श्री कृष्ण ने भगवान से रिलेट करके दिखाया गया था, वहीं महेंद्र बाहुबली को भगवान शिव से रिलेट किया गया था। कहीं ना कहीं राजामौली ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बिल्कुल साफ तरीके से ऑडियंस तक इस फिल्म को पहुंचाया था, जहां उन्होंने दो अलग अलग भगवानों का रेफरेंस लिया था ताकि ऑडियंस फिल्म से आसानी से कनेक्ट हो सके, और इस फैक्ट को काफी कम लोगों ने ही नोटिस किया था। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि SS राजामौली अब किस भगवान से इंस्पायर्ड होकर बाहुबली 3 में भगवान को हाईलाइट करते हैं, या किस दौर की कहानी को मूवी के जरिए ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है बाहुबली मूवी से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।